अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि गोल्डन वीजा प्रोग्राम का विस्तार किसने किया है, संयुक्त अरब अमीरात ने। और याद रखिए, हमारे देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या इन खाड़ी देशों में एक लिए काम करने के लिए जाती भी है, और बाकी देशों में भी, अमेरिका देखिए आप लोग, किसी भी देश में देखिए, हमारे भारतीय जरूर आपको मिल जाएंगे। तो जान लेते हैं गोल्डन वीजा प्रोग्राम क्या है और किस तरह से इसका विस्तार किया गया है। और एक बात और हमेशा याद रखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में तो पूछे जा सकते हैं, साथ में जब आप अंतरराष्ट्रीय संबंध लिख रहे हो जैसे संयुक्त अरब अमीरात का और भारत के बारे में, उस समय भी इसका आप लोग वहाँ प्रयोग कर सकते हैं एक तरह तथ्य के रूप में, ठीक है। और एक बात और आपको याद होगी कि जब हम लोगों ने विश्व का मानचित्र कवर किया हुआ था, जिसमें सभी देशों के बारे में जाना था और भी बहुत जो भी पार्ट रहता है मानचित्र का, उसे कवर किया था, तो उस समय कई लोगों का कहना था कि सभी देशों के बारे में जानकारी याद रख पाना संभव नहीं है, और ये आपके लिए ही नहीं है, कोई भी नहीं रख सकता है। आप समझिए कि इतने देश हैं, सभी के बारे में जानकारी कैसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ एक स्मार्ट ग्रे होती है। क्या होती है, कैसे होती है, कि जब भी कोई देश चर्चा में रहता है तभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल चर्चा में ही ना रहे वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाए। तो उसके बारे में, जो भी चर्चा में रहता है उसके बारे में सभी पॉइंट आपको याद रख लेना चाहिए। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग मैप्स में स्थिति देख लेते हैं संयुक्त अरब अमीरात की। तो आप सभी जानते होंगे कि संयुक्त अरब अमीरात मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। कहाँ? मध्य पूर्व एशिया में। यहाँ यहाँ आपको देखने को मिलेगा संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ ये आपका प्यारा भारत है हमारा, ठीक है। ये ओमान की खाड़ी है, यही फारस की खाड़ी भी हुई लगी हुई है, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। और अगर आपके देश के बारे में बात करें हम अपने, तो श्रीलंका हो गया, बर्मा हो गया यानी कि म्यांमार जिसे बोलते हैं आज आप, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सभी हमारे पड़ोसी हैं। और संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो यहाँ आपको ओमान देखने को मिलेगा, सऊदी अरब भी यहीं देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। पास में ही कतर है, ज्यादा दूर कोई कतर नहीं है, ठीक है। इसकी राजधानी की बात करें तो अबू धाबी है। क्या है? अबू धाबी है। और यहाँ भाषा की बात करें तो अरबी है, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात ने, इसे यूएई में भी बोलते हैं आप लोग, अपने गोल्डन वीजा प्रोग्राम का विस्तार करते हुए इसके तहत कुछ पेशेवरों और विशिष्ट डिग्री धारकों को शामिल करने की घोषणा की है। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ही दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री साहब ने आग्रह भी किया था इन सभी देशों से कि अब कोरोना का टाइम जैसा भी है चल रहा है, खत्म हो गया है, इन्हें ना देखते हुए अब हमारी जनसंख्या जो भी लौटे हैं भारतीय, आप सभी जानते हैं कि सबको नौकरी दे पाना, रोजगार दे पाना संभव नहीं है, यहाँ जो पहले से हैं उन्हीं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो इन्हें वापस बुलाया जाए। संयुक्त अरब अमीरात की सरकार द्वारा की गई घोषणा के मुताबिक डॉक्टरेट और मेडिकल डॉक्टर डिग्री धारक तथा कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रिकल, बायोटेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग डिग्री धारक इस प्रोग्राम का लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, बिग डेटा और एपिडेमियोलॉजी अथवा महामारी विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट डिग्री धारक संयुक्त अरब अमीरात से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के ऐसे छात्र भी इस प्रोग्राम का लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे जिन्होंने 3.8 या उससे अधिक जीपीए प्राप्त किया है। ये परिवर्तन 1 दिसंबर 2020 से लागू होंगे। कब से? 1 दिसंबर 2020 से। निहितार्थ की बात करें तो मुख्यतः एक तेल और गैस उत्पादक देश होने के कारण कोरोना वायरस महामारी और तेल की कम कीमत ने संयुक्त अरब अमीरात की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। इसके कारण कई प्रवासी अपने देश जाने को भी मजबूर हो गए। ऐसे में संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के इस निर्णय को अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के एक प्रयास के रूप में भी देखा जा सकता है। आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम अपने जो भी हमारे यहाँ खर्च होता है, कच्चा तेल हो, डीजल, पेट्रोल, तो ये पूरी तरह से हम लोग आत्मनिर्भर नहीं है। 80% 85% हम आयात करते हैं बाहरी देशों से, खाड़ी देशों से बहुत बड़ी मात्रा में आयात करते हैं हम लोग कच्चा तेल, ठीक है। और यहाँ जो भी लोग रहते हैं वो हमारे यहाँ हार्ड करेंसी यानी कि डॉलर में आएंगे हमारे यहाँ, तो हमारी मुद्रा भी एक तरह से मजबूत होगी, समझ रहे हैं आप लोग। लाभ की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात की सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों और वैज्ञानिक विषयों के विशेषज्ञों तथा प्रतिभाशाली पेशेवरों को आकर्षित करना और एवं उन्हें संयुक्त अमीरात का के विकास से जोड़ना है। गोल्डन वीजा प्रोग्राम के विस्तार से विश्व भर की प्रतिभाशाली लोग संयुक्त अरब अमीरात में अपना करियर शुरू करने के प्रति आकर्षित होंगे।
जिससे वह वहां नवाचार, रचनात्मकता और प्रायोगिक अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सकेगा, जो कि संयुक्त अरब अमीरात के विकास की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण भी है। और कोरोना महामारी से ऐसा नहीं है कि भारत पर ही असर पड़ा हो, आप देखिए कोई भी देश इससे लगभग मुझे नहीं लगता है कि अछूता रह गया है। अमेरिका को देखिए, पूरी तरह से अर्थव्यवस्था कितनी बुरी तरह से प्रभावित हुई है, हमारी अर्थव्यवस्था को आप देख सकते हैं। भारत की दृष्टि से बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात का यह निर्णय भारत के युवाओं, खासतौर पर तकनीकी क्षेत्र में कारगर युवाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर तलाशने में भी मदद मिलेगी। ऐतिहासिक रूप से भारत में इंजीनियरिंग डिग्री धारकों की संख्या सबसे अधिक रही है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में प्रत्येक वर्ष कम से कम 15 लाख इंजीनियर छात्र विभिन्न शाखाओं जैसे IT, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल आदि आदि से स्नातक की डिग्री प्राप्त करते हैं। और ये तो आप लोगों को भी मालूम होगा कि सबसे ज्यादा हम लोग ही इंजीनियर बनते हैं। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ इंजीनियर की क्या हालत रहती है आप भी जानते हैं। इसे भारत का इंजीनियरिंग संकट भी कहा जाएगा कि इतनी बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग स्नातक होने के बावजूद केवल 2.5 लाख स्नातकों को ही तकनीकी क्षेत्र में रोजगार मिल पाता है। और हमारे यहाँ की इंजीनियरिंग आप सोच सकते हैं कि देखिए इंजीनियर बन चुके हैं, लेकिन उन्हें किस क्षेत्र का नॉलेज है, कितना नॉलेज है, ये आप बेहतर जानते होंगे। गोल्डन वीजा प्रोग्राम की अगर बात करें तो गोल्डन वीजा प्रोग्राम की शुरुआत वर्ष 2019 में संयुक्त अरब अमीरात UAE के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद द्वारा की गई थी, जो एक दीर्घकालिक निवास कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का संपूर्ण उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात में एक आकर्षक निवेश वातावरण का निर्माण करना है, जो देश में व्यवसायिक विकास को प्रोत्साहन करेगा और नई प्रतिभाओं को आकर्षित करेगा। आमतौर पर संयुक्त अरब अमीरात प्रवासियों को स्थायी निवास वीजा नहीं प्रदान करता है, किंतु गोल्डन वीजा एक नवीकरणीय 10 वर्षीय वीजा है, जिससे प्रवासियों को वहां दीर्घकाल के लिए रहने का अवसर है। और अभी तक वीजा केवल निवेशकों, उद्यमियों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वैज्ञानिक आदि को जारी किया जाता था, किंतु अब हालिया घोषणा के साथ ही तकनीकी, मेडिकल, कला क्षेत्र के प्रतिभाशाली युवाओं को भी इसका लाभ मिल सकेगा। तो यही आपकी कहानी है एक तरह से गोल्डन वीजा की। इस तरह क्वेश्चंस कैसे पूछा जा सकता है, इसमें क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि गोल्डन वीजा हाल ही में चर्चा में था, इसके बारे में 3-4 आपको कथन दे देगा, उसमें आपको चुनना होगा कि सही कौन सा है, किस देश ने जारी किया है, और उस देश के बारे में भी कुछ पॉइंट पूछे जा सकते हैं। तो यही आपको पॉइंट याद रखना है। और इसी तरह अगर कोई भी टॉपिक चर्चा में रहता है, कोई भी देश चर्चा में रहता है, जैसे अमेरिका चर्चा में था अभी चुनाव के कारण, और वैसे भी वो तो चर्चा में बना ही रहता है, चीन हो गया आपका, पड़ोसी आपका पाकिस्तान हो गया, तो इन देशों के बारे में काफी जानकारी जान लेनी चाहिए आपको, ठीक है। वैसे आप लोगों ने अगर वर्ल्ड मैप्स कवर किया हुआ है तो आप सोचिए कि ज्योग्राफी का एक तरह से आप कहिए कि विश्व भूगोल का आपने 70-80% कवर उसी में कर लिया है। झीलें भी देखी हैं, नदियां भी देखी हैं आपने, महाद्वीपों को सबको देखा है आप लोगों ने, तो जाकर देख लें, मानचित्र के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसी में डले हुए हैं, पूरा मैप्स का सहारा लिया गया है। और एक ज्योग्राफी को पढ़ने का सबसे अच्छा वही तरीका है मुझे लगता है। अगर आपको मालूम होगा कि भारत कहाँ है, आपको मालूम होगा कि संयुक्त अरब अमीरात कहाँ है, अगर आपको पूछने के लिए आ जाए कि कितने देशों से इसकी सीमा लगती है, बंगाल की खाड़ी कहाँ है, कोई भी, तो आपको अगर मैप्स में आपने देखा होगा तो आराम से आप लोग कर सकते हैं, पाकिस्तान से हमारे कितने राज्य हैं, चीन से कितने राज्य हैं, तो एक तो आपके पास ऑप्शन रहता है, आप लोग रख लीजिए, तो एक ऑप्शन रहता है मैप्स का सहारा लेके आप लोग टिक लगा के देख लीजिए कि हाँ ये है ये है, तो मुझे लगता है ये बेहतर तरीका रहता है, याद भी रख सकते हैं हम लोग इससे ज्यादा, ठीक है। तो रटने पर भरोसा मुझे लगता है कम करिए और प्रैक्टिकल एक तरह से समझने की कोशिश ज्यादा करिए, क्योंकि वनडे एग्जाम नहीं है कि एक तरह से आपने रख लिया कि पाकिस्तान ये है, हमारा पड़ोसी है, हमारी सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश से लगती है, ये लगता है चाइना से ये लगती है सीमा। तो मुझे लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वहां अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो बेहतर है आपके लिए रटने के लिए। अगर आप स्टेट PCS या सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो वहां तो मुझे लगता है कि आपकी समझदारी ही काम आती है, समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि आपको प्रीलिम्स देना है, मेन तो है मेंस लिखित परीक्षा, वहां तो आपकी सोच ही काम करती है ना, वहां तो कोई रट्टा वाला काम नहीं हो सकता है, ठीक है। और एक अपने दिमाग से निकाल दीजिए, 10-12वीं की परीक्षा अलग थी कि एक पूरी बुक्स रहती थी, उसमें आपको मालूम रहता था कि मैथ में आपने क्वेश्चन पढ़े, उसी तरह का बिल्कुल क्वेश्चन पूछ लिया जाता था,
यहाँ अलग है, आप ये नहीं कह सकते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, करंट में कोई भी टॉपिक है उसी से क्वेश्चन उठा के डाल देगा। तो आपकी सोच ही यहाँ बताती है कि आप किस क्षेत्र में।